गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिटिंग एंड शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जो वर्तमान में जो साझेदार होते हैं वो अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में जब चेंज कर देते हैं तो उस चेंज करने के बाद जो है संपत्तियों और दायित्वों का हम पुनः मूल्यांकन कैसे करते हैं, उसका अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं वो हम सीखेंगे। तो जैसे ही जो साझेदार हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में चेंज करते हैं तो उनके चेंज के साथ साथ संपत्तियों और दायित्वों का रिवैल्यूएशन करना क्या हो जाता है, जरूरी। ठीक है, तो इस दशा में दो जो है आपकी सिचुएशंस बन सकती है। तो फर्स्ट सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि वो एक ऐसा डिसीजन ले कि संपत्तियों और दायित्वों को उन्होंने क्या करना है, रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर क्या करना है, बताना है, जो संशोधित मूल्य है उस पे बताना है, मतलब आज का जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर क्या करना है उसको बताना है। तो एक सिचुएशन ये बन सकती है। और सेकंड सिचुएशन क्या बन सकती है, सेकंड सिचुएशन ये बन सकती है कि वो एक ऐसा डिसीजन ले कि नहीं, हमने उनको जो पुराना जो वैल्यू है उस पे ही क्या करना है, हमने उनको बताना है, रिवाइज वैल्यू पे नहीं, जो भी मतलब जैसे जो है वैल्यू उनकी पहले थी उसी वैल्यू के ऊपर क्या करना है, हमने उनको बताना है। तो हम जैसे जो है अभी डिस्कस करेंगे जैसे जो है बहुत सिचुएशंस। तो फर्स्ट क्या हुई, फर्स्ट हुई व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू, जब संपत्ति और दायित्वों को संशोधित मूल्य के ऊपर क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो इस दशा में हमारे को रिवैल्यूएशंस करना पड़ेगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, रिवैल्यूएशंस अकाउंट बनाता हूं, उससे फिर आपको पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशंस अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी डेबिट साइड है, डेबिट होती है एक्सपेंसेस की, एंड राइट हैंड साइड है ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये होती है इनकम की। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, जब भी हम रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट एंड लायबिलिटीज का तो जो हमारे को एक्सपेंसेस होगा लॉस होगा तो डेबिट साइड में, इनकम होगा तो क्रेडिट साइड में। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको जैसे जो कोई बात रखने की जरूरत नहीं है कि जैसे ही हम संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन करते हैं तो जब हम पहले संपत्तियों का मूल्यांकन करते हैं रिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारी जो एसेट्स है वो बढ़ रही होती है तो हमारे को क्या होता है, फायदा। और अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही होती है, कम, तो हमारे को क्या होता है, नुकसान। तो बस अगर नुकसान है लॉस है तो डेबिट में और इनकम है तो कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में हम करेंगे। तो नुकसान कब हुआ, जब वैल्यू में क्या आ गई, कमी। तो हम यहां लिख देंगे टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और यहां पर एसेट्स का हम नाम लिखेंगे, नेम, जो भी हमारे पास एसेट्स होगी जैसे बिल्डिंग है मशीनरी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई या इतनी वैल्यू कम हो गई तो हम यहां पर नाम लिख देंगे। और इसके साथ साथ अगर जो इंक्रीज होगी है वैल्यू की तो कहां चल जाएगी, क्रेडिट साइड में, तो हम लिखेंगे बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यहां पर नेम लिख देंगे हम एसेट्स का, जैसे जो लैंड है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज, तो फिर यहां पर हम लिख देंगे बाय लैंड और जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी वो। ठीक है, हम जैसे जो है जितना जैसे जो हम रिवाइज्ड करते हैं वो वैल्यू आती है, जैसे सपोज हमारे पास जो लैंड है वो है 1 लाख की, अब आज हमने उसका वैल्यूएशन किया वो हो गई 1,20,000 की, तो कितनी वैल्यू उसकी इंक्रीज हुई, 20,000, तो यहाँ पर 20 बताएंगे हम, ना कि 1,20,000।
ठीक है। और इसी प्रकार जैसे हमारे पास मशीनरी थी, उसकी जो वैल्यू थी वो 50,000 थी, अब वो रह गई है 45,000, तो हमारा जो है कितना लॉस हुआ हमारे को 5,000, तो यहाँ पर हम 5,000 बताएंगे। ठीक है, तो ये होगी बात किस चीज की, ये होगी एसेट्स की। और लाइबिलिटीज में क्या होता है कि अगर हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हमारे को एक्सपेंसिज होता है, ठीक है। और अगर लाइबिलिटीज क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमारे लिए इनकम की बात होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं पहले टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो इंक्रीज हुआ वो यहां, और अगर वैल्यू में क्या आती है कमी, तो बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो इनको कहां बताएंगे हम, इनको बताएंगे हम क्रेडिट साइड में, ठीक है। और यहां पर नेम जो भी है, जो भी लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही है, और यहां पर जो भी लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है, उस लाइबिलिटीज का हम नाम यहाँ लिख देंगे। और इसके साथ साथ कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऐसी होती है जिनका हम रिकॉर्ड करना क्या हो गए थे, भूल गए थे, हमने उनका रिकॉर्ड नहीं किया, डबल एंट्री हमने उनकी की नहीं, फिर हमारे को लग जाता है पता। तो जब हमारे को अभी पता चला कि एक अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज थी, तो लाइबिलिटीज मतलब देनदारी, वो हमारे को पता था, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। तो हम जो है यहां लिख देंगे टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्ड अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज। एंड जब हमारे को कोई एसेट्स का पता चलता है कि जैसे हमने उसका रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हमारे लिए इनकम की बात होगी, तो हम यहां पर कर देंगे बाय अनरिकॉर्ड एसेट्स, एसेट्स कर देंगे। और यहां पर बस वही नेम जो हमारे पास एसेट्स थी या लाइबिलिटीज जो भी थी नेम, वो हम यहाँ पर उसका नाम क्या करेंगे, लिखेंगे जी, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया। तो मैं बता दूं ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के जो आपका डेबिट साइड है उसमें एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट साइड में क्या आती है इनकम। तो आपको मैंने बता दिया कि जब मतलब एसेट्स कम होती है तो मतलब लॉस होता है, जब इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो हमारे को लॉस होता है, और डिक्रीज होती है तो क्या होती है इनकम। और जब कोई अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज आ जाती है तो हमारे लिए एक्सपेंसिस, एंड अनरिकॉर्ड एसेट आ जाती है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक इनकम की बात होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ये करेंगे कंपैरिजन, डेबिट और क्रेडिट साइड का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी क्रेडिट साइड क्या आ गई ज्यादा, डेबिट साइड क्या आई कम, तो हमारे को हो गए टू प्रॉफिट, ये हमारे पास आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये हम इसका टोटल करेंगे, इस टोटल में से इन तीनों को घटाएंगे और हमारे पास जो है ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्या आ गया प्रॉफिट। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ये साइड ज्यादा आई, खर्चों की साइड ज्यादा आई, क्रेडिट साइड कम आई, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे बाय लॉस हो जाएंगे, ठीक है, लॉस हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब यहां एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट है या तो प्रॉफिट आएंगे या तो क्या आएंगे लॉस आएंगे, अगर दोनों साइड बराबर आएगी तो ना प्रॉफिट हुआ ना क्या हुआ लॉस हुआ। तो इन प्रॉफिट और लॉस को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहां कर देंगे ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, और लॉस भी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे तीन है तो ए बी सी, और ए बी सी जितना उनका शेयर्स बढ़ेगा रेशो उस हिसाब से हम इनको कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमारे को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू, जब संपत्ति और दायित्व को संशोधित मूल्य पे बताते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको दो तीन मतलब एसेट्स दी होंगी, दो तीन लाइबिलिटीज दी होंगी, तो आपने इस हिसाब से जैसे जो है बताना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब आपको जनरल एंट्रीज भी आ सकती है, क्या आ सकती है जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज भी आ सकती है आपको करने के लिए। तो जनरल एंट्रीज क्या होगी, केस फर्स्ट यही से देख लो आप, व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू
ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स की वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है, तो आप यही से बना सकते हैं, आपको जनरल एंट्रीज को रखने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये हमारे पास निरीक्षण बन गई, और यहां पर हम एसेट्स एसेट्स करके लिख देंगे नेम, जो भी नाम होगा वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरी जो है एंट्री, व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स की वैल्यू में क्या आती है, इंक्रीज, तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसको हमने डेबिट करना, और रिवैल्यूएशन को क्या करना, क्रेडिट। तो हम यहां कर देंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑन द्रेशन आप लिख सकते हैं अपने आप के बीइंग डिग्री इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये हमने लिख लिया। और इसके बाद अब हम चल पड़ते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, थर्ड, व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो हमने क्या करना है, आपको बता दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। और फोर्थ आ जाता है व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो जब डिक्रीज हो रही है तो इस तरफ इनको हमने डेबिट करना, रिवैल्यूएशन को करना क्रेडिट। तो हो गया यहां पर हमने लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फिफ्थ आ जाता है हमारे पास अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज तो यहां मैंने बताया जो डेबिट साइड में आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज अकाउंट। और सिक्स नंबर पे हमारे पास आ जाता है जब अनरिकॉर्ड एसेट्स है, अनरिकॉर्ड एसेट्स है तो हमारे पास एंट्रीज बन जाती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जब हमने लेजर से जनरल बनाना है तो यहां एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमारे पास एंट्रीज बच जाती है किसकी, प्रॉफिट से, प्रॉफिट की, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो जब हमारे को प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आया इस तरफ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम एंट्री करते हैं जब हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, और लॉस हो तो इसका उल्टा जाता है, लॉस, लॉस आ गया हमारे पास रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो लॉस आ गया तो यहां आपको मैंने जैसे है ये बता दिया, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
रिवैल्यूएशंस अकाउंट, तो ये हमारी क्या बन गई, ये जनरल एंट्रीज भी क्या है आपकी बन गई। तो अभी मैंने आपको केस फर्स्ट जैसे जो है बताया कि जब जो वर्तमान साझेदार हैं उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या हो गया चेंज, तो हमारे को एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का भी रिवैल्यूएशन हमारे को करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो एक वो ऐसा डिसीजन लेंगे कि हमने उसको क्या करना है, रिवाइज वैल्यू पे बताना है, रिवाइज वैल्यू मतलब नया मूल्य जो होगा उसमें, तो हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी पूछी जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बता दिया नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में क्या होगी सारी इनकम्स होगी। अब आपने क्या करना है कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका जो प्रॉफिट होंगे और लॉस होंगे ये हमने किस में बांटने हैं, ओल्ड रेशो में, किस में बांटने हैं, ओल्ड रेशो, न्यू में नहीं, जो जैसे उनकी रेशो क्या थी पहले थी, और ये मतलब उसी रेशो में क्या होंगे ये प्रॉफिट और लॉस क्या होंगे उनके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में आ सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और इसकी जनरल एंट्रीज बताओ। तो जनरल एंट्रीज भी मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ही जो इस तरफ है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, वैसे ही इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू रिवैल्यूएशंस, तो ये आपको क्या कर दिया मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास जो है बी जो है केस है वो ऐसा बन सकता है, व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू, जब संशोधित मूल्य पे ना बताया जाए, मतलब उनको पुराने मूल्य के ऊपर क्या किया जाए बताया जाए, तब मतलब आपने क्या करना है, तब मतलब आपने क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। कौन सी एंट्री, एडजस्टमेंट, तो उधर मैं आपको बताता हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री ये हो गया बी केस, बी केस में हमारे को एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ी। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या करनी है, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में और जनरल रिजर्व में बताया था, बस वैसे ही जैसा आपको मैंने गुडविल में बताया था वैसे ही, तो क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारी जो है एंट्रीज बनेंगी, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है, ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। और ये जो है ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा ये होगा जैसे जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे को निकालनी पड़ेगी, और एक जो है पार्टनर जो मतलब सैक्रिफाई कर रहा होगा उसका हमने जो है कैपिटल अकाउंट का करना है क्रेडिट, और जो गेन कर रहा होगा उसको क्या करना है हमने डेबिट। तो ये मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज बनेगी कब, व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी शोन एट रिवाइज्ड वैल्यू, जब संशोधित मूल्य पे नहीं बताना है, तो एक ये एंट्रीज बनेगी, ठीक है। और बस, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।